everyone, I hope you all are doing great. Welcome back to my channel. So in today's video, I'm going to be sharing a sunscreen review, and by the title you guys know it's Dr. Sheth's mineral sunscreen. So before I give you a detailed review on this product, let's just quickly discuss why sunscreen is so important. Guys, sun protection is the holy grail of skincare. एंड फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स हम ये देख रहे हैं कि सनस्क्रीन पे और उसके बेनिफिट्स पे ना काफ़ी अच्छा सा ध्यान दिया जा रहा है. लोग अब अपने स्किन को लेके काफ़ी मतलब स्किन केयर करने लग गए हैं, और जो सन से जो हमें हार्मफुल इफेक्ट्स हमारे स्किन पे दिखते हैं, अब लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आने लग गया है कि सनस्क्रीन जो है वो बहुत बहुत ज़रूरी है. कुछ टाइम पहले ना, अगर मैं बात करूँ कुछ साल पहले, एक अच्छी सनस्क्रीन को ढूंढना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता था, क्योंकि सनस्क्रीन जो हमें मिलती थी, जो अगर हम मार्केट से परचेज करेंगे, काफ़ी हैवी होती थी. स्किन पे ऐसा लगता था बहुत ही एक मेजर लेयर लगा रखी है, एज़ वेल एज सनस्क्रीन में वाइट का ज़रूर होता था. बट अब इस वक्त मार्केट में देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस टू चूज़ फ्रॉम, जिस जो आपको ना बहुत अच्छी सनस्क्रीन्स आजकल मार्केट में आ गई हैं, एंड यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस टू चूज़ फ्रॉम. बट हाउ टू नो विच सनस्क्रीन इज़ बेटर फॉर यू, ठीक है? उसके लिए आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है. एक तो आपकी स्किन टाइप कैसी है, दूसरी सनस्क्रीन है कैसी. देखो मैं आपको बताती हूँ, सनस्क्रीन जो होती है ना वो दो तरह की होती है. एक होती है फिजिकल सनस्क्रीन और एक होती है केमिकल सनस्क्रीन. सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल सनस्क्रीन क्या होती है. फिजिकल सनस्क्रीन आर मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन्स. अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो फिजिकल सनस्क्रीन का मतलब ये है कि आपके स्किन के अंदर कुछ भी नहीं जा रहा, जो सनस्क्रीन है वो आपके स्किन पे लग जाएगी और ऊपर ना एक सुपरफिशियल लेयर आ जाएगी आपके स्किन पे, जो हार्मफुल रेज से आपको प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है? ये होती है फिजिकल सनस्क्रीन. और केमिकल सनस्क्रीन वो होती है, केमिकल सनस्क्रीन आर ऑर्गेनिक सनस्क्रीन्स, जो अगर आप सनस्क्रीन को लगाते हो तो जो सनस्क्रीन है वो आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगी, ठीक है? स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी. ओके, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो मैं ये कहूँगी देन गो फॉर फिजिकल सनस्क्रीन्स, क्योंकि स्किन के अंदर कुछ भी नहीं जा रहा, सिर्फ स्किन के ऊपर एक सुपरफिशियल लेयर आ जाती है. गो फॉर फिजिकल सनस्क्रीन्स. आजकल जो लोग हैं ना वो फिजिकल सनस्क्रीन को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हो गई बात फिजिकल सनस्क्रीन की और केमिकल सनस्क्रीन की. फिजिकल सनस्क्रीन में ना आपको ज़्यादा मतलब देर तक वेट नहीं, तभी हम कहते हैं कि जब हम सनस्क्रीन लगाते हैं तो 20-30 मिनट्स सन एक्सपोजर से पहले लगाना चाहिए. क्यों? वो केमिकल सनस्क्रीन में होता है क्योंकि वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होती हैं, तब जो है सनस्क्रीन काम करती है. लेकिन फिजिकल सनस्क्रीन जो होती है ना वो इंस्टेंटली रिजल्ट आता है, मतलब कि आप लगाओ और आप 5 मिनट बाद धूप में जा सकते हो. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिकल सनस्क्रीन और केमिकल सनस्क्रीन के बीच में डिफरेंस क्या होता है. ओके गाइस, सो टुडे आई एम गोना बी शेयरिंग अ रिव्यू ऑन डॉक्टर शेथ्स मिनरल सनस्क्रीन विथ SPF 50+ PA++. सो दिस इज अ फिजिकल सनस्क्रीन विच प्रोवाइड्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम सन प्रोटेक्शन. इट हैज जिंक ऑक्साइड, ग्लिसरीन एंड मिनरल फिल्टर्स. द प्रोडक्ट इज फ्री फ्रॉम पैराबेन, सल्फेट्स. इट्स वीगन एंड नॉन टॉक्सिक. This is how the actual product looks like. The sunscreen will cost you ₹699 for 50 gram of the product. It has water-based lotion consistency and the texture is lightweight and not at all sticky, which makes it suitable for all skin types. It just takes a minute or so to fully blend and it settles without any residue and there is no white cast. It has 25% zinc oxide that provides instant protection against sun damage without irritating the skin. 2% glycerin that allows skin to retain moisture, mineral filters that are photostable and easily spread on the skin to form a protective film that reflects harmful sun rays. And now you have to use this as the last step of your skincare routine. Spread 2 fingers worth of sunscreen on your face and neck, apply evenly and wait for 5 minutes so that it settles down and you are ready to go. Its afterfeel is matte, so if you are looking for a sunscreen that is water and sweat resistant, then you can definitely try this one out. So guys, lastly I just want to say that I just really love the texture. मैंने डॉक्टर शेथ्स की एक और सनस्क्रीन पे डिटेल रिव्यू बनाया था, दैट सेंटिलाइन नाइसिनामाइड सनस्क्रीन. आई लाइक दैट वन ऑल्सो, क्योंकि ऑयली स्किन वालों के लिए वो भी बहुत अच्छी है. इट हैज़ अ जेल टेक्स्चर, बट दिस सनस्क्रीन हैज़ लोशन कंसिस्टेंसी, बट द टेक्स्चर इज़ वेरी वेरी लाइट वेट एंड इट अब्सॉर्ब्स क्विकली, एज वेल एज इट गिव्स अ मैटिफाइंग फिनिश, जो मुझे बहुत अच्छी लगी. अगर आप बाहर जा रहे हो धूप में, सनस्क्रीन को लगाओ एंड यू कैन ऑलमोस्ट स्किप द फाउंडेशन, बिकॉज एक अच्छा सा मैटिफाइंग लुक हो जाता है
जाता है, जस्ट अप्लाई कॉम्पैक्ट पाउडर एंड दैट्स इट. गाइज आई रियली लव दिस सनस्क्रीन क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है एंड यू गाइज नो दैट कि मैं कोई भी जो स्किन के प्रोडक्ट है ना मैं बहुत मतलब सोच के परचेज करती हूँ, रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि ऑयली स्किन वालों के लिए ना बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल हो जाता है प्रोडक्ट को अप्लाई करना अगर वो हैवी है तो, क्योंकि ऑलरेडी ऑयली स्किन है, स्किन पे से इतना सारा ऑयल आता है, ग्रीसीनेस हो जाती है. देन आई चूज सनस्क्रीन, आई चूज स्किन के प्रोडक्ट्स दैट आर वेरी वेरी लाइट वेट, चाहे वो मॉइस्चराइज़र हो चाहे वो सनस्क्रीन हो. एंड आई रियली लव दिस सनस्क्रीन टू क्योंकि मैंने आई हैव टू सनस्क्रीन्स ऑफ डॉक्टर शेयर, सेंटेला वन एंड दिस मिनरल सनस्क्रीन. आई लव बोथ ऑफ देम. यू कैन जस्ट गो एंड ट्राई दिस. अगर आपने ऑलरेडी आपके पास है प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको कैसा लगा एंड हाउ वॉज ऑल योर एक्सपीरियंस. मुझे तो बहुत अच्छा लगा एंड आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइज. So guys, that's it. That brings us to the end of the video. Thank you so, so much for watching this video. And I'm sure आपको थोड़ी बहुत ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी. अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, then please hit the like button and also do subscribe to my channel. Subscribing doesn't cost you anything, but it will help me a lot. So please, please do subscribe to my channel. Thank you so much for watching this video. I'll see you in my next one. Till then, bye-bye.